आप भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की हुई जीत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख का चेक देकर उन्हें सम्मानित किया। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली सुश्री निक्की प्रधान और सुश्री सलीमा टेटे को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का चेक, स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन प्रदान किया। कहा, उनके इच्छानुसार शहर में मकान की सौगात देगी सरकार। बोकारो से संगीता की रिपोर्ट। आज सरकार ने खेल की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने विगत संक्रमण काल में उठाए हैं। खेल पदाधिकारी से लेकर खेल व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर, खेल नीति को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इस लक्ष्य के साथ ये कदम उठाए गए हैं ताकि इस राज्य में जो प्रतिभा है हमारे नौजवानों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में, उन प्रतिभा को हम लोग और बेहतर तराश कर देश दुनिया के महत्वपूर्ण जगहों पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें शामिल होकर राज्य का नाम ऊंचा कर सके। अपना और राज्य देश का नाम तो रोशन कर रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसी दिशा में भी जहां जा रहे हैं जहां एक आइकॉन के रूप में स्थापित होते हुए अपने को एक बेहतर और खेल के ये में अपना एक अलग वजूद स्थापित करते हुए निकल रहे हैं। इसलिए कई सारी योजनाएं जो हम लोगों ने इस बार नियमावली के तहत नकद पुरस्कार देने की हम लोगों ने कार्यों को निश्चित किया है। हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स सेंटर का भी हम लोगों ने योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है, जहां 8 हॉकी, 12 फुटबॉल, 6 एथलेटिक्स और 7 तीरंदाजी, 1 वॉलीबॉल, 1 बैडमिंटन का ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी हो चुकी है और वहाँ हमारे बच्चे निःशुल्क अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे बोर्डिंग ट्रेनिंग सेंटर का भी हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जहाँ जो बच्चे आएंगे उनको 500 रुपये प्रति स्टूडेंट देने का भी हम लोगों का संकल्प है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जहां हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको सरकार सीधी नियुक्ति देने का भी काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। उसके तहत आज तक लगभग 40 बच्चों को हम लोगों ने सीधी नियुक्ति दी, जहां 2 बच्चे सब इंस्पेक्टर के रूप में हम लोगों ने भी नियुक्त किया है। आज के इस भावनात्मक सुखद अवसर पर जो इनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये लोग आज इस सम्मान समारोह के मुख्य कह सकते हैं कि एक गवाह के रूप में हैं कि आज जहां बिजली नहीं, जहां सड़कें नहीं, वहां की बेटी आज उन जगहों पर पहुंच के आ रही हैं
जहां पर शायद आम लोगों के लिए वो एक सपना था, आज हमने एक और निर्णय लिया है कि ये निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का जो सिमडेगा में गांव हो या उनके शहर में जो हो, इनके इच्छा अनुसार एक सुसज्जित पक्का मकान बना करके सरकार देने की निर्णय की। 3,000 स्क्वायर फीट की वो मकान होगी और जहां इनके विचार के अनुरूप उसको डिज़ाइन किया जाएगा और तैयार किया जाएगा। इसके अलावा हमने एक और अभी विचार किया है, इस पर हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं और जो हमारे कोचेस हैं, ये सब जो खेल के दौरान कोई आकस्मिक घटना घटती है, किसी तरीके की कोई छोटी या बड़ी चोट उनको लगती है, तो उनके अस्पताल का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, ये हमने सुझाव। क्योंकि खेल में बहुत सारे ऐसे घटनाएं कभी घटती हैं, किसी बच्चे के साथ जहां उसके लिए दोबारा उसको हासिल करना मुश्किल है, लेकिन जीवन व्यापन करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए भी उसको एक सपोर्ट सरकार की तरफ से किया जाएगा, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। ऐसे कई चीज़ें, राज्य के लोग, राज्य के नौजवान जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।